नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप लोग जो है मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कि हमारी जो स्प्लेंडर प्लस होती है उसके इंजन को किस प्रकार से फिट किया जाता है, इसकी हमें जानकारी दो। तो यहाँ पर दोस्तों सबका अलग अलग तरीका होता है फिट करने का और अलग अलग तरीके से उसके अंदर जो है सामान या पार्ट डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली वो दिन आज आ चुका है, तो आज मैं आपके सामने हमारी जो स्प्लेंडर प्लस होती है उसके इंजन को फिट करके दिखाऊंगा हमें क्या क्या यहाँ पर करना होता है, कैसे इसको फिट करते हैं और क्या क्या हमें दोस्तों इसके अंदर सामान डालना पड़ता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी, सो प्लीज अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जो है इस चैम्बर को ऐसे रख लेना है और यहाँ पर देखिए जो हमारे बैरिंग होते हैं 6001 और 5003, तो यहाँ पर आपने जो है इसको चेक कर लेना है। अगर इसके अंदर प्ले होती है तो आप इसको चेंज कर दें। वैसे तो दोस्तों बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये बैरिंग में कोई दिक्कत आए। तो इसके बाद अगला प्रोसेस, इसके बाद आपने जो है जो हमारे पास दोस्तों इसका ये ड्रम होता है गियर वाला, गियर चेंजर, ठीक है, तो इसको आपने चेक करना है। यहाँ पर अगर दोस्तों इसमें कोई दिक्कत होती है ये आप चेक कर लेना। वैसे तो बहुत ही कम कटते हैं, तकरीबन जो ऊंचे मॉडल होते हैं, पुराने मॉडल होते हैं, बहुत ही पहले वाले, उनके शायद यहाँ पर कट लग जाते हैं। इसके बाद जो हमारी ये न्यूट्रल पत्ती होती है, न्यूट्रल पत्ती वैसे तो दोस्तों कोई भी हो तकरीबन न्यूट्रल पत्ती मैं चेंज करता हूँ, लेकिन जो कुछ बाइक कम चली हुई होती हैं उनके अंदर इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको आप थोड़ा ऐसे दबा लेना और यहाँ पर इसको ऐसे थोड़ा सेट कर लेना, ताकि ये जो है ना पार्ट ये वाला ये नीचे दबा हुआ होना चाहिए, देखिए, ठीक है, दोनों साइड से, ताकि ये जो है ना जो हमारा ये स्विच होता है यहाँ वाला इसमें न फंसे। अगर इसमें फंस गया तो ये पत्ती टूट जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ये हम यहाँ पर जो हमारी इनपुट सॉफ्ट होती है और ये आउटपुट सॉफ्ट होती है, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हूँ इस आउटपुट सॉफ्ट को लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारी ये आउटपुट सॉफ्ट है इसको आप यहाँ से ज़रूर चेक करें, ठीक है। ये यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि ये हमें ठीक है, तो ये ठीक है। अगर यहाँ पर कटी हुई होती है, बहुत कम यहाँ पर ये अटके जाते हैं इसके, ये यहाँ पर जो कट, तो आप इसको चेंज कर दें। तो आपने इसको फिट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर ये इसका एक बुश डाल लेना है, ठीक है, नीचे वाली ग्रारी का, तो ये ऐसे ही रहने देना है। आपने इनको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये इनमें ऐसे ही होते हैं। और जो हमारी ये दूसरी सॉफ्ट होती है, जो हमारी ये इनपुट सॉफ्ट है, इसको भी आप ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर इनको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा ये सेकंड गियर होता है, यहाँ पर देखिए ये सेकंड गियर की स्पोक है, ज़्यादातर हमारी जो हीरो बाइक का जो है सेकंड गियर और ये फोर्थ गियर कट जाता है, तो यहाँ पर ये जो स्पोक है ये दाग हो जाती है, तो ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमारी फोर्थ नंबर की जो स्पोकट है ये भी आप चेक कर ले, यहाँ से दाग हो जाती है तो ये साउंड करने लगती है। ये दोस्तों कुछ टिप्स होते हैं जो इंजन फिटिंग के दौरान हमें इनको याद रखना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ओके है, अगर इसमें दाग होता है तो दोस्तों आप इसको चेंज कर दें। और अगर ये दाग होती है, वैसे तो जब दोस्तों हम इंजन करते हैं तो उससे पहले बाइक को चलाकर देखते हैं कि बाइक के अंदर कोई गियर की समस्या तो नहीं है, कि वो साउंड नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे हमें उसको चेक करना होता है। अब फिट कैसे करना है, यहाँ पर जो ये बुश है इसको आप ऐसे डाल दें और जो इसकी ये पहले नंबर की बड़ी स्पोकट होती है इसको आप ऐसे डालें, ठीक है, ये प्लेन हिस्सा ऊपर आएगा, इसको ऐसे डालेंगे तो यहाँ पर ये कटों में नहीं फंसेगा, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैंने जो है दोस्तों इसके गियर बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से आप जो है इसके गियर बॉक्स को फिट करते हैं और कैसे दोस्तों ये काम करता है, इन सब की जानकारी मैंने उस वीडियो में दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये पतली वार्सल होती है, देखिए यहाँ पर जो है ये दो तरह की वार्सल होती है, एक मोटी और ये पतली, आप इसमें देखिए ये फ़र्क देख लें, ये मोटी है और ये पतली, आपने इसको यहाँ पर रख देना है पतली वाली को। इसके बाद जो हमारा ये सिलेक्टर है इसको आपने ऐसे पकड़ना है और इसको आपने एक बार चेक कर लेना है किस साइड से ये उल्टा है, किस साइड से सीधा है। ये जो हमारा इसका मोटी सॉफ्ट का भाग होता है इसमें आपने इसको डाल देना है और इस वाले को इसमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से डालें और यहाँ पर इसके नीचे ये अपनी एक फिंगर लगा लें, इसको आप ऐसे रख दें, मैं आपको बिल्कुल आसानी से इस काम को करने को बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने लड़के लोग को सिखाता हूँ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर लेना, यहाँ पर इसको चेक कर लेना न्यूडल पत्ती को, ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब इसके बाद जो हमारी ये बड़ी वार्सल होती है ये इस आउटपुट सॉफ्ट के ऊपर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ये तीसरे नंबर की गरारी होती है ये इसका थर्ड गियर होता है, याद रखिए ये इसका थर्ड गियर है।
इसको आप चेक कर लें यहाँ से कटी हुई तो नहीं है, अगर ठीक है इसको आप ऐसे रख दें, ठीक है ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हमारी ये बड़ी वार्सल होती है इसी वाली सॉफ्ट की, इसको आप इसके ऊपर रख दें, ठीक है ये हमने रख दी। इसके बाद जो हमारी ये पतली वार्सल होती है इनपुट सॉफ्ट की, इसको आप ऐसे रख दें। कुछ भाई इसको कंप्लीट बना के भी रख देते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का, लेकिन मैं आज इंजन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमारी ये फोर्थ नंबर की सपोकेट है, इसको आप ऐसे रख दें, ठीक है ऐसे रख दिया। और इसके बाद जो हमारे दोस्तों ये स्पोकेट होती है, यहाँ पर देखिए मैंने जो है आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि ये ऐसे होती है, ठीक है या फिर ऐसे होती है, ठीक है दोनों तरफ से ये एक जैसी है। इसको जब भी आप रखें इसको ना ऊपर वाले भाग को ऐसे आप थोड़ा घिसा लें, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये ऊपर वाला फेस है। अगर दोस्तों ये थोड़ी बहुत साउंड करती है, ये 19-20 थोड़ी बहुत दाग होती है, तो यहाँ पर आप इसको पलट के भी लगा सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पर ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है ये रख दिया हमने। इसके बाद ये हमारे इसके ऊपर एक और वार्सल यहाँ पर आ जाती है, तो ये हमारा कंप्लीट गियर बॉक्स फिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये न्यूट्रल है या नहीं, तो ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है और यहीं से हमें ये पता लग जाता है कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप साइड में एक थंबनेल देख सकते हैं और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, ठीक है आप दो लोग देख लेना। अब इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद आती है क्रैंक की बारी, तो हमारी ये क्रैंक है, ये मैंने जेन्युइन कराई है, यहाँ पर फैग के इसके अंदर बैरिंग डलवाया है और मैं इसके अंदर जो हूँ ये असेंबली किट ही डलवाता हूँ ये क्रैंक वाली। बहुत सारे खराद वाले इसके अंदर जो है जुगाड़ करके पिन अलग डाल दी, बैरिंग अलग डाल दिया, कनेक्टिंग रोड अलग डाल दी, वो इस तरीके से करते हैं, उसकी लाइफ कम होती है, लेकिन जो एक असेंबल किट होती है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ये जो है इसका पार्ट ऊपर की तरफ आएगा क्लच साइड में, और जो ये नीचे की साइड में है वो इसका मैगनेट वाला भाग है, ठीक है इसको आप चेक कर लें, ये बिल्कुल ओके है, इसकी लाइन हमें बिल्कुल बराबर चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। अब इतना काम हो गया हमारा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक तो इसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है और जो हमारा गियर बॉक्स होता है इसके अंदर भी थोड़ा आपने ऐसे ऑयल थोड़ा छिड़क देना है। अब बता दीजिए जल्दी, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे कि ये लुब्रिकेट आते हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वैसे तो इसके अंदर जब हम ऑयल डालेंगे तो एकदम से जो है इसके अंदर ये ऑयल आ ही जाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो और यहाँ भाई आप जो है इसके अंदर ये ऑयल ऐसे डाल लें, ठीक है वैसे इसमें जो है आप थोड़ा बाद में ऑयल डाल लेना जब ये फेस ऊपर रहेगा, क्योंकि अब मैं इसको नीचे करूँगा तो ऐसे में ये ऑयल नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा गियर बॉक्स फिट हो गया। इसके बाद यहाँ पर दोनों डबल को आपने चेक कर लेना है जो हमारी डबल पिन होती है, और यहाँ पर अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे रेचड़ होते हैं इनको आपने चेक कर लेना है, यहाँ से इसको आप लगे हाथ रिपेयर कर दें अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है या स्लिप होती है ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो ये सॉफ्ट है इसको भी आप चेक कर लें, अगर यहाँ से ख़राब हो जाती है तो इसको आप लगे हाथ चेक कर लें। ये दोस्तों हम इंजन के दौरान ही इनको चेक करते हैं कि यहाँ पर ये कोई दिक्कत है या नहीं। तो अब इसके बाद यहाँ पर आपने जो है थोड़ी बहुत बोंड लगा लेनी है और यहाँ पर इसके पैकिंग को लगा देना है, तो इतना काम आप कर लेंगे। यहाँ पर चलिए मैं बोंड लगा लेता हूँ, पैकिंग लगा लेता हूँ। पहले आप यहाँ पर जो है रेजी बोंड जो ट्यूब होती है ये नीले इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रबड़ बनाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जब दोस्तों आप जो है इसके अंदर ये पंप ग्रारी को इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर आप इसका विशेष ध्यान रखें, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल ओके है, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल नहीं है, तो इसको आप लगे हाथ पहले ही डाल लें, ये पहले ही इसको चेक करना होता है, ठीक है आप इसको डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर पैकिंग रख लें, आप पैकिंग किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जेन्युइन ही इस्तेमाल करें, जो भी आपको अच्छा लगता है भाई, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर आप दोनों साइडों में इसके ये बोंड लगा लें, तो यहाँ पर हमने हल्का हल्का बोंड लगा लिया है। और यहाँ पर दूसरी बात, जो हमारे बैरिंग होते हैं ये बिल्कुल ओके होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनको आप ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा इतना काम हो गया, अब यहाँ पर जो ये सॉफ्ट है इसको आप थोड़ा पहले ही यहाँ पर फंसा लें, जो ये कट लगा है इसको आप ऐसे रखें, ठीक है, और इस सॉफ्ट को पकड़ के रखें, ऐसे पकड़ेंगे। अब आपने क्या करना है, ये चैम्बर हमारा इतना फिट हो गया, इसको आपने थोड़ा पीछे घुमा लेना है, देखिए कितनी आसानी से ये हमारा चैम्बर इसमें बैठ गया है, ठीक है। बस ये इसमें
कुछ ही सेकंड का काम होता है इतने पार्ट को फिट करने के लिए। अब इसको मैं पलट लेता हूँ और उस साइड के बोल्ट लगा लेता हूँ। इतना काम करने के बाद आपने इस शाफ्ट को जरूर चेक करना है, इसके अंदर ये प्ले होनी चाहिए अप डाउन की, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको लगाए तो यहाँ से ये घूमनी चाहिए, देखिए इसको घुमाते हैं तो ये इसके साथ घूमती है, ठीक है। अब मैं इसको पलट लेता हूँ। इसके बाद आपने जो है इसके 10 mm के बोल्ट को जरूर लगा देना है और इसको टाइट कर देना है, और यहाँ पर जो एक डॉट रबड़ होती है उसको आप लगा दें। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये जो हमारा है मेन चैम्बर फिट हो चुका है और यहाँ पर हमने इसको फिट कर लिया है। इन सब को चेक कर लें। इसके बाद जो यहाँ पर ये एलन की बोल्ट होता है इसको आप जरूर चेक करें, यहाँ से इसको एक बार जरूर टाइट कर लेना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारी ये इसमें पिन होती हैं मोटी और पतली, इनको आप लगा दें ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर जो इसकी गियर शाफ्ट होती है इसको भी आप चेक कर लें, यहाँ से अगर ये दांते ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, इसको भी आप लगे हाथ चेंज कर दें। तो इसको आप ऐसे फिट कर लेना। मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से जो हूँ इंजन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो इसके बाद जो हमारे पास ये इसके ऊपर एक पत्ता होता है ताकि ये पिने बाहर न निकलें, इसको आप लगा लें, ठीक है। इसको मैं ऐसे लगा लेता हूँ और इसको भी आप लगा लें। और यहाँ पर जो 10 mm का एक बोल्ट होता है ये ब्लैक रंग का बोल्ट है, स्पेशल यहीं पर लगता है। हमें जो ये बोल्ट लगाने होते हैं इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कौन सा बोल्ट कहाँ का होता है। अब ये हमारा इतना काम हो चुका है, ये हमारा क्लच वाला पार्ट है। यहाँ पर आप इसको चेक करें, अभी यहाँ पर ये शाफ्ट घूम नहीं रही है, तो जैसे जैसे आप ये घुमाएंगे यहाँ पर ये गियर अपने आप लगते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इतना काम हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपने मोटी वार्सल रख देनी है। आप इसको किसी भी साइड से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। और यहाँ पर जो ये बुश है इसको भी आपने रख देना है। अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारी ये पंप की जो ये होती है जाली फिल्टर, इसको आपने रख देना है। यहाँ पर आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये जो है ओके होनी चाहिए, कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप यहाँ पर लगा दें, ये हो गई। इसके बाद जो हमारा ये प्राइमरी गियर होता है इसको आपने लगा देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 285 इसकी लिस्ट है और ये इसका पार्ट नंबर है। ये हीरो जेन्युइन है, हीरो जेन्युइन के ही ज़्यादातर दोस्तों मैं पार्टों का इस्तेमाल करता हूँ। इंजन के अंदर जो है पार्ट को ही काम करना होता है, ठीक है। और ये जो इसका एल की बोल्ट है इसको आप जरूर चेक कर लें, यहाँ पर अगर ये लूज होता है तो ये टाइट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा ये हाउसिंग है, यहाँ पर देखिए क्लच हाउसिंग, यहाँ पर अगर ये कट लग जाते हैं तो इनको आप चेक कर लेना। यहाँ पर वैसे इतने इसके अंदर कट नहीं है, ये ओके है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर दिक्कत होती है तो आप इसको थोड़ा बहुत रेती से घिसा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा कट लग जाते हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ये वाला हाउसिंग नहीं डालना, आपने इसके अंदर जो हमारा डिलक्स वाला आता है डबल कट वाला स्प्लेंडर प्रो वाला, वो इसमें डाल देना है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसकी साउंड में दोस्तों और इसकी साउंड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। उससे जो है खट खट की साउंड जो आती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, उसका ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप तो आपने इसको ऐसे लगा देना है, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद ये स्टार वार्सल आप रख दें। और यहाँ पर जो हमारी टूटी हुई ये दो टुकड़ियाँ होती हैं, ये उभरा हुआ हिस्सा आप ऊपर रखें, देखिए, ठीक है। एक साइड से ये प्लेन है और एक साइड से ये उभरा हुआ है, ये प्लेन हिस्सा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर इनको ऐसे आपने जोड़ कर रख देना है, और ये एक लोक वार्सल, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस लिए होती हैं, यहाँ पर ये इसलिए होती हैं ताकि ये कटोरा हमारा आगे ना आए, देखिए। इसको आप उठाएंगे ना, ये यहाँ पर जो कट लगे होते हैं साफ्ट में, ये इसको बाहर नहीं आने देते हैं, ठीक है, ये इसका काम होता है। अब इसके बाद हमारे जो ये क्लच हब और सेंटर होते हैं, ठीक है, इनको आप चेक कर लें। ये अभी ये जो है बिल्कुल ओके हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप जो है चेक कर लेना लगे हाथ, इनको आप चेंज कर सकते हैं अगर इनमें कोई दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पर इसको जरूर नोट करें। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ये जेन्युइन क्लच प्लेट डालनी है। यहाँ पर देखिए ये जेन्युइन क्लच प्लेट है, इसकी लिस्ट है 300 रुपये, और आप जो है 360 रुपये वाली इस्तेमाल करते होंगे, उसका पार्ट नंबर अलग है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप इस पार्ट नंबर को नोट कर लें। आप इस पार्ट नंबर के हिसाब से इस प्लेट को मंगा सकते हैं और इसकी लिस्ट ये 300 रुपये में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी जो प्रेशर प्लेट है
ठीक है, ये आप इसमें डाल दें, इसकी लिस्ट है 90 रुपये, तो मैं इनको सेट ही डालता हूँ हीरो जैनवन को। तो मैं आप, तो आप जो है इसको इसमें फिट कर लेना, ये तो आपको पता होगा किस तरीके से हम इसको फिट कर लेते हैं। ऐसे हो गया, अब इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है और इसको ऐसे इसमें रख देना है, ये अपने आप जो है इसके अंदर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जो हमारी ये वार्सल आती है, देखिए यहाँ पर जो है ये उभरी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर ये जो है एक कट है, इसको आप ऊपर रख देना ऐसे, ठीक है, ये स्प्रिंग वार्सल का काम करती है, और इस नट को लगाकर आप टाइट कर दें, यहाँ पर पुलर के द्वारा आप इसको टाइट कर देना, ठीक है, अच्छे से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपने जो है यहाँ पर ये चार स्प्रिंग होती हैं, इनको आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं, और यहाँ पर रख के जो हमारी लिफ्ट प्लेट होती है उसको चेक कर लेना है, बैरिंग को भी चेक कर लेना है, और यहाँ पर थोड़ा आप इसमें ऑयल लगा दें, ठीक है, ताकि बैरिंग सूखा ना चले, और जो हमारे चार बोल्ट होते हैं इनको लगाकर भी आप टाइट कर दें। ये आपने टाइट कर दिए, और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पर डालने के बाद इसके अंदर भी आप ये ऑयल डाल दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी क्रैंक होती है वो सूखी ना चले। तो यहाँ पर इसके अंदर ऑयल हो गया, अब यहाँ पर ये चार बोल्ट टाइट हो गए। इसके बाद हमारी ये प्लेट, इस प्लेट को आप ऐसे रखें, और जो यहाँ पर ये 10 mm के बोल्ट होते हैं और न्यू बाइक्स हैं उनके अंदर ये आपको 8 mm के मिलेंगे, इनको लगाकर भी आप टाइट कर दें। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये बोल्ट होते हैं इनके ऊपर आपने एक बार जो है पेचकस से अपना हाथ घुमा देना है, कभी ये लूज ना हो, ठीक है, आप इनको जरूर नोट करें। अब इसके बाद ये हमारा बैलेंसर, जिसको हम वेट भी बोलते हैं, यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक होल होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं होल, ठीक है, यहाँ पर जो इसके अंदर, ताकि जो है गैस ना बने और ये ऑयल इसके अंदर सर्कुलेट अपना करते रहे। भाई पार्ट को आपने अच्छे से क्लीन करके ही लगाना है, ठीक है, ये हमारा बैलेंसर हो गया। और इसी तरीके से ये जो इसकी वार्सल है आप देख लें, उभरी हुई है, उभरा हुआ हिस्सा आपने ऊपर कर देना है, और जो इसका ये नट है इसको लगाकर इसको टाइट कर देना है। अब इसके बाद जो हमारी ये प्लेट होती है, यहाँ पर इसके पैकिंग को भी चेक कर लें अगर इसमें कोई दिक्कत है, और जो ये सील है इसको आपने जरूर चेक कर लेना है, यहाँ पर ये नरम है, देखिए सील हमारी जो है नरम होनी चाहिए, अगर वो सख्त होगी वो तो यहाँ से वो फट जाएगी और वो जो है ऑयल को लीकेज करेगी, ठीक है, ये आप ज़रूर चेक करें। इसको मैं रख लेता हूँ, और जो यहाँ पर ये चार सक्रिय होते हैं इनको आपने लगा कर टाइट कर देना है। तो चलिए पहले मैं इनको टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है आपके पास ये पुलर होना चाहिए, इनका इस्तेमाल हम जो है इनके नट को टाइट करने के लिए करते हैं। ये इसका देखिए क्लच वाला हो गया, और ये इसका चौड़ा भाग इसके वेट को टाइट करता है, जो इसमें ये नट लगता है, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, यहाँ पर छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, भाई वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये हमारा काम इतना कम्प्लीट हो चुका है, इसके अंदर आप ऑयल डाल लें, ठीक है, वैसे तो मैंने डाल दिया है, और यहाँ भी डाल दें, आप इधर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपने डबल पिन को लगा लेना है, और जो हमारा पैकिंग होता है इसको आपने ऐसे ही इसमें लगाना है। याद रखिए जो हमारे क्लच के पैकिंग होते हैं उनके ऊपर आप कभी भी बॉन्ड वगैरह न लगाएं। मैं कभी भी दोस्तों जो इंजन करता हूं उसके क्लच के जो पैकिंग होते हैं उनके ऊपर कभी भी बॉन्ड नहीं लगाता हूँ, जो सेंटर पैकिंग है उस पर ही बॉन्ड लगाता हूँ, बस मैं इतना ही काम करता हूँ, फालतू जगह में कभी बॉन्ड नहीं लगाता, ठीक है, यहाँ पर कोई कभी इनमें जो है रिसाव वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा ये क्लच पुश लीवर होता है यहाँ पर, इसके अंदर आपने जो है इस रिंग को नया डाल देना है। ये मेरे पास हीरो जैनवन है, मैं इसको इसमें डालूंगा, और मैंने इसके ऊपर जो है ऑलरेडी वीडियो बनाया है किस तरीके से हम जो है इसके लीकेज को बंद कर सकते हैं और ये रिंग इसमें डाल सकते हैं। इसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोस्तों उसको देख लेना, और ऊपर थंबनेल में आप दोस्तों देख सकते हैं ये उसका थंबनेल है किस तरीके से मैं इसके अंदर ये रिंग डालता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको डाल लेता हूँ, और इसके बाद डालने के बाद यहाँ पर जो एक स्प्रिंग होता है उसको डालें, और क्लच कवर को दोस्तों लगाकर इसके बोल्ट को आपने टाइट कर देना है। तो चलिए मैं इतना काम पहले जल्दी से कर लेता हूँ। अब इतना काम होने के बाद आपने जो है इन सभी सीलों को इसमें डाल देना है, जो ये सील होती हैं, ठीक है, आप इनको डाल लेना। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है किस प्रकार से हम इनकी सभी सीलों को बदल सकते हैं। तो चलिए मैं सील डाल लेता हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इतना करने के बाद जो हमारी ये गेज होती है इसको आपने इसमें लगा देना है, ताकि इसके अंदर कुछ नए गिरे, और यहाँ पर जो हमारा ये उभरा हुआ हिस्सा होता है यहाँ से आपने इसको
जो है थोड़ा कट कर देना है, ठीक है। ये हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा ना भाई, वीडियो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देना, और चैनल अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो भाई सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों ये पैकिंग वगैरह हमने इसके अंदर डाल लिए हैं और इसको फिट कर दिया है, ठीक है। ये पंप गरारी है और यहाँ पर इतनी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम करते हैं इसके ब्लॉक किट की फिटिंग। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसकी ब्लॉक किट की और हेड की। यहाँ पर जो हमारा ये ब्लॉक किट है इसके अंदर हमने 25 नंबर का पिस्टन बोर कराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 25 नंबर का पिस्टन बोर है जो है गोडेज कंपनी का। तो मैं ज़्यादातर जो गोडेज कंपनी के जो पिस्टन आते हैं इनका ही इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर हम क्रॉस बोर कराते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है किस प्रकार से जो हमारे खराद वाले हैं हम एक मशीन के द्वारा इनके अंदर ये क्रॉस बोर करते हैं। तो आप दोस्तों उस वीडियो को भी देख लेना, उसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद जो हमारा हेड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हेड है, हेड के अंदर दोस्तों हमेशा आपने जो है गाइड जरूर लगवानी है, ये आप जरूर नोट करें, क्योंकि यहाँ पर जो है गाइड का एक अहम रोल होता है। जो हमारा वाल होता है वो उसके अंदर प्ले हो जाती है गाइड के अंदर, और जिससे हमारा जो है वाल ये साउंड करने लगता है। तो यहाँ पर हमने जो है इसके हेड को भी अच्छे से साफ कर लिया है। तो हेड के ऊपर दोस्तों मैंने अभी जो है कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था उसकी रिपेयर को लेकर, उसके अंदर जब हम वाल ग्राइंड करते हैं और उसकी टोटल फिटिंग को लेकर किस प्रकार से हमने इसकी फिटिंग करनी है। आप दोस्तों उस वीडियो को देख लेना, आप साइड में थंबनेल देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका थंबनेल है और इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों मैं पहले जल्दी से इसके अंदर ये रिंग इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को एक दिक्कत रहती है, जो ये लॉक है ये किस तरीके से हम इनके अंदर ये डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारा ये लॉक है इसको आपने किस तरीके से इसमें डालना है। आपने जो है इसको ऐसे आप जैसे कि फिट करते हैं इस इंजन को, ऐसे आपने इसको पकड़ लेना है और जो इसकी ये राइट साइड है इसको आपने इस लॉक को पहले लगा देना है। यहाँ पर एक साइड में आपने पहले इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे आप अंदर कर दें, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से इसके अंदर आ गया, इससे कुछ साउंड भी आ गई, तो ये इसके अंदर फिट हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिन ये इसके अंदर हमने डाल दी। और अब मैं इसमें रिंग इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। दोस्तों मेरा जो है रिंग इंस्टॉल करने का बस एक ही तरीका है, सभी बाइक में मैं इस तरीके से ही रिंग इंस्टॉल करता हूँ। ये हमारी एक्सपेंडर रिंग है, ये यहाँ पर आ गई सेंटर में, जो हमारा इंटेक भाग है ये बीच का होल है, यहाँ पर आप इसको इसमें डाल लें। ये रिंग आप अपने ब्लॉक किट के अंदर एक बार चेक कर लें, अगर इसमें गैप रहता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये हमारे रिंग है, इनको भी आप चेक कर लें, इस साइड में ये मूव कर रहे हैं और यहाँ पर ये होल है, इसको आप डाल लें। ये दूसरा रिंग ये इधर मूव कर रहा है, देखिए इसको आप ऐसे लगा दें यहाँ पर जो होल है। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दोस्तों वीडियो को देख लेना, मैंने उसमें ये रिंग इंस्टॉल करके दिखाए हैं। और वैसे भी मैंने दोस्तों जो हमारी ब्लॉक किट होती है उषा कंपनी की, उसकी अनबॉक्सिंग की थी मैंने और उसमें आपको रिंग डाल के दिखाए थे। तो यहाँ पर ये रिंग हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूजन और रहता है, यहाँ पर जो हमारे ऑयल रिंग होते हैं इनका सिर्फ होता है वाइट स्मोक को रोकना, ठीक है, धुएं का रोकना, जो आगे ये ऑयल निकलता है। यहाँ पर सिर्फ ये दोस्तों जो दो रिंग होते हैं यही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है, जो ये ऑयल रिंग होते हैं और ये होते हैं कंप्रेशन के लिए। अगर आप यहाँ पर जो है जैसे कि आप पुराना पिस्टन डाल देते हैं और उसमें आप नए रिंग डालते हैं, अगर आप उनके अंदर ये रिंग बिना पुराने डाल दें तब भी आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर जो है इनका जो है दोस्तों ऑयल से कोई लेना देना नहीं है कि ये दोस्तों धुएं को रोकेंगे, ठीक है। ये होते हैं सिर्फ कंप्रेशन के लिए, बाइक में हमारा कितना ज़्यादा कंप्रेसर बनता है, ठीक है, सिर्फ ऑयल के लिए ये रिंग जो है होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कंप्रेसर के लिए होते हैं। बहुत सारे मैकेनिक भाइयों ने जो है YouTube पर बताया है कि ये जो है ऑयल को रोकने का काम करते हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो है इस पोर्ट को टाइट कर देते हैं ताकि पिस्टन हमारा टाइट चलता रहे, ये इनका काम होता है, ताकि आगे जो है एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर बने और यहाँ पर हमारी बाइक जो है पहले ही झटके में स्टार्ट हो जाए ताकि इनटेक वाल एकदम से काम करे। तो ये इनका काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको भी डाल लेता हूँ,
ये टॉप टू भाग है, इसको आप ऊपर रख लेना, ठीक है। रिंगों को, रिंग जो होते हैं बड़े प्यार से डालने होते हैं, आप इनको प्यार से ही डालें, तो जल्दबाजी ना करें। इस पर ये टॉप वन लिखा है, इसको आप ऐसे लगाएं, ये हमारे रिंग ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए, ठीक है। इनको आप सेट कर लेना। इसके बाद जो हमारी ये ब्लॉक किट होती है, इसके अंदर आपने जो है ऑयल लगा लेना है ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर आपने ऑयल डाल देना है, आप रिंगों को घुमाए या ना घुमाए कोई दिक्कत नहीं है, इनको ऐसे ही दबा दें, इनके अंदर अपने आप ऑयल चला जाएगा। थोड़े बहुत जो है रिंग घूमते हैं, इनको आप सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये इसके अंदर रिंग, अब इसको आपने जो है ऐसे इसमें डाल देना है। यहाँ पर देखिए, ये इसका इनटेक भाग है, इसको आप ऐसे रखेंगे और यहाँ पर थोड़े इन रिंगों को ऐसे अंदर दबा देंगे, ठीक है। ये पिस्टन जो है ठीक इसके अंदर चला जाएगा। आपने इनको ना ऊपर से दबाव नहीं देना, सिर्फ साइड से जो है अंदर करना होता है, ताकि ये इसके अंदर एकदम से चले जाएं। तो देखिए कितनी आसानी से ये इसके अंदर चला गया। अब दो चार बार आप इस पिस्टन को ऐसे अंदर बाहर कर लें, ठीक है। अब इसके बाद हम पहले हेड की फिटिंग कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हेड है, इसको हमने फिट कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देख लेना। ये इसके अंदर हम STA कंपनी की वाल सील डालते हैं, इनके अंदर जो है STA लिखा होता है। और यहाँ पर आप थोड़ा इनको ऑयल में ऐसे लगा लें ऑयल, और जो हमारा ये पिन पेच कस होता है, इससे आपने जो है इसको ऐसे इसमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें डल गई, और ये दूसरे वाली ऑयल में डुबाया, थोड़ा ऑयल लगाया और इसको ऐसे डाल दें, ठीक है। ज्यादा देर का काम नहीं है। अरे भाई गाने वाले इसको आगे ले जाए मेरे यार, कॉपीराइट दबाएगा क्या, इतनी मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं यार, लोग ट्रैक्टर पे इतने बड़े बड़े डीजे लगा लेते हैं, इतना इंजॉय तो लोग ब्याह शादी में नहीं करते जितना ये ट्रैक्टर वाले करते हैं। चलिए यार क्या करें, पता नहीं लोग यार टाइम पास करने के लिए क्या क्या करते हैं। पर एक बात है, जो ट्रैक्टर वाले होते हैं दूसरों को साइड नहीं देते, अपने म्यूजिक में मस्त रहते हैं, और लोग पीछे से दबा दब हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं, और भाई उसको नहीं सुनता। और ऐसे में वहाँ पर लोग बहसबाजी जरूर करते हैं, लेकिन उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने भाई DJ वाले सॉन्ग्स में बिजी रहते हैं। भाई DJ वाले बाबू मेरा गाना चला दे, बस ये लगा रहता है और कुछ नहीं भाई। चलो छोड़िए यार, क्या लेना है किसी से, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा ये एग्जॉस्ट वाल है, इसको हम ऐसे डाल लेते हैं। इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है, ठीक है। इसमें डाला और यहाँ पर इसको आपने इस तरीके से फिट कर लेना है। यहाँ पर एक वर्सल होती है, ये आपने रख देनी है दोनों साइडों में। यहाँ पर वर्सल होती है, और ये जो हमारे स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको रखें आप, दोनों को रख लेना भाई। स्प्रिंग को आप किसी भी साइड से रख सकते हैं, और कटोरी के अंदर जो ये काटर होती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक 11 mm का जो पाना होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ से पकड़ लेता हूँ, कहीं ये भाग ना जाए। इसको जो हूँ मैं बिना टूल के ही फिट करता हूँ। यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ें, ऐसे ऐसे किया, और देखिए ये जो है हमारा कितनी आसानी से ये लॉक हो गया। इसमें ज़्यादा देर का काम नहीं है भाई, इसको आप बिना पुलर के करते हैं तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा हमारा टाइम भी बचता है। अब ये दूसरे वाला, यहाँ पर इसको डाल लेता हूँ, और यहाँ पर ये एक वार्सल, ये वार्सल जो होती है किसी भी के अंदर, वहाँ पर उसकी सीट को कटने से बचाती है, ये हमेशा आप याद रखें, ये इनका मतलब होता है। और यहाँ पर ये डबल स्प्रिंग, ये कटोरी और ये लॉक, इसको भी मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर।
और यहाँ पर इसको पकड़ लेता हूँ थोड़ा, इसको ऐसे किया, ऐसे इसके अंदर आपने लगा देना है और देखिए ये जो है कितने आसानी से इसके अंदर ये लॉक हो गया। देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर ये दोनों वाल हमने डाल दिए, कूलर से काफ़ी यहाँ पर टाइम लगता है। देखिए मेरे जो है दोनों लड़के यहाँ पर बैठे हैं, अपना हाथ दिखाओ भाई, आप भी दिखाओ भाई। देखिए यहाँ पर ये दोनों बैठे हैं और इनको मैं इसी तरीके से काम सिखाता हूँ और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि ये दोनों अच्छे से ट्रेंड हो सके भाई। हम इसी तरह से आप लोगों को भी है जानकारी देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा ये इतना काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो है अब हमारा ये इसका रोकर, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे रोकर सेट होते हैं ये बिल्कुल ओके हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई साउंड है, ठीक है। यहाँ पर आप इनको ही डाल दें जो ये ठीक होते हैं, केम भी वही डाल दें, केम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी केम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नहीं है बिल्कुल केम, यहाँ पर कोई दाग वगैरह नहीं है, आप चाहे तो रोकर वगैरह को नहीं डाल सकते हैं भाई। सब भाई सबका अपना अपना काम होता है करने का, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बिना बात के इतना कस्टमर का बजट बना दें। ये जो टोटल जो हम इसमें दिखाते हैं ना, ये हमारा दोस्तों एक्सपीरियंस है इतने सालों का जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि इनके अंदर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ना ही कोई साउंड है, तो इसलिए दोस्तों हम जो है इन रोकर को इसमें डाल देते हैं जो ये ठीक होते हैं, अगर कट जाते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपने इनको फिट करना है। तो यहाँ पर ये जो है इसका रोकर है, ठीक है, ये ओके है, इसको मैं डाल लेता हूँ। और जो हमारी पिन होती है यहाँ पर देखिए, इस साइड में जो है ये चूड़ी देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बिना चूड़ी वाला, इसको आपने चूड़ी को बाहर ले साइड में कर देना है और इसको भी आपने ऐसे ही लगा देना है। ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपने इसकी साइड प्लेट को लगा देना है। यहाँ पर देखिए जो इसमें ये होल है, यहाँ पर ये चौड़ा होल इस साइड में आपने कर देना है, ठीक है, यहाँ पर इस साइड में, ये जो है इधर आपने नहीं करना है, ठीक है, आप याद रखें ये चौड़ा भाग इस साइड में आना चाहिए। अब यहाँ पर ये हमारी केम है, केम के दोनों बैरिंग आप जरूर चेक करें, अगर इनके अंदर प्ले होती है तो आप चेंज कर दें। तो इसके बाद ये हमारी केम इस तरीके से जो है इसके अंदर डल जाएगी, आपने दो चार बार इसको ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हमारा फ्री है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नोट करने वाली बात, बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं यहीं पर इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी जो है मैं इसकी सेटिंग नहीं करूँगा, इसका भी दोस्तों एक ट्रिक होता है, मैं इसको फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ, ठीक है, पहले हम इसको फिट करते हैं, बाद में आपको दिखाऊँगा कि हमने इसको किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी टैपिटी को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास ये इसका फ्रंट फेस होता है, यहाँ पर आपने दोनों डबल पिन को लगा देना है यहाँ पर, ताकि पैकिंग इधर उधर ना सरके। और ये जो इसकी, और यहाँ पर जो इसका ब्लॉक किट होता है ये भी यहाँ से दोस्तों सही यहीं पर रहे, ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद आपने जो है इसके पैकिंग को डाल लेना है, ये इसका ब्लॉक किट का पैकिंग है, यहाँ पर बॉन्ड वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है भाई, मैं तो नहीं लगाता हूँ, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने विश्वास से काम करें। तो यहाँ पर ये हो गया, और इसके बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा ये ओरिंग रख दें, ये यहाँ पर ये ओरिंग है, ठीक है, इसको आप इस साइड से अंदर करें, ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर अब हमारी ब्लॉक किट की बारी आती है। अब यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक भाइयों का एक मेरे को सवाल आया था कि जब हम ब्लॉक किट के अंदर पिस्टन डालते हैं तो आप ऐसे क्यों डालते हो, तो यहाँ पर इसका ये मतलब होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे रिंग होते हैं इनको अंदर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। कई बार जो है मैंने कई मैकेनिकों को देखा है, उनसे जो है यहाँ पर जो है ये रिंग बैंड हुए हैं, पर लेकिन भाई वो नहीं मानते, वो तरीका नहीं अपनाते हैं। तो सबका अलग अलग काम करने का तरीका, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसे डालो वैसे डालो। कुछ बंदे कहेंगे कि हम तो ऐसे ही डाल देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, भाई वो अच्छी बात है दिक्कत नहीं आई, लेकिन मैं आपको इसमें गलत गाइड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपने क्या करना है, इसको इसको ऐसे इसमें डाल देना है, और यहाँ पर जो हमारी पिन है इसके ऊपर आपने ज़रा सा भी हीट नहीं करना है, यहाँ पर ये इसके अंदर इसी तरह से चली जाती है, देखिए, ठीक है, आपने यहाँ पर हीट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा लॉक होता है यहाँ पर इसको लगाते हैं,
तो ये लोग इस तरीके से ही लग जाएगा। यहाँ पर आप कपड़ा वगैरह भी रख सकते हैं। तो चलिए, हमें तो भाई अपने काम का एक्सपीरियंस है, हम तो इसको ऐसे ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको ऐसे लगाया और ये लॉक ऐसे लग गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये कितनी आसानी से इसमें लॉक हो गई। और यहाँ पर थोड़ा इस पर आप बोल्ट लगा लेना ताकि ये यहाँ से ना गिरे। देखिए ये यहाँ से कई बार गिर जाती है, तो उसको आप ध्यान रखें। अब इतना काम हो गया, अब इसको आप ऐसे थोड़ा पीछे कर दें, बस ये हमारा एक मिनट के अंदर काम हो गया। यहाँ पर जो 10 mm का बोल्ट होता है उसको आप लगा दें। यहाँ पर जो है ये बोल्ट आता है इसमें, और जो न्यू बाइक है उनके अंदर यहाँ पर ये एलकी का बोल्ट आता है, ठीक है। अब इसको आप पूरा टाइट मत करिएगा, इसको आप बाद में टाइट करिएगा ताकि सिलेंडर किट एक साइड में न खींचे, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसको आप 2-4 बार अप डाउन कर लें आप, और जहाँ पर ये आगे ऑयल आएगा इसको आप साफ़ कर लें, ठीक है। ये आप याद रखें, इसके अंदर आप ये डाल लेना और इसको 2-4 बार आप ऐसे घुमा लेना, ठीक है, ताकि हमारा ये पिस्टन अप डाउन हो जाए। और इसको बिल्कुल टॉप पोजीशन पर करके आपने छोड़ देना है। यहाँ पर ये टॉप पोजीशन है, यहाँ पर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये यहाँ भाई हमारे यहाँ जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़ी आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है वॉइस वगैरह में। तो अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपने 2 डबल पिन लगा देनी है, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हो गया, ये हमारी 2 डबल पिन है, इनको भी आप लगा लें। तो यहाँ पर ये लग गई। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा ये, मैं इसको मुद्र कर लेता हूँ भाई ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब यहाँ पर जो है इस पैकिंग को आपने डाल देना है, ठीक है। इसके आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बोल्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है ऑलरेडी इसके हेड के पैकिंग के रिसाव को लेकर वीडियो बनाया है। यहाँ पर बहुत सारी जो पुरानी बाइक होती हैं उनके अंदर ये रिसाव रहता है, तो यहाँ पर वो दिक्कत करती है। तो यहाँ पर आप जो है दोस्तों इस टाइप का ये पैकिंग इसके अंदर डालें और उसके लिए इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं इनके अंदर ये वाला पैकिंग डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके पैकिंग को इसमें डाल लें, ये हमने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर जो ये एक ओरिंग होता है इसको आप लगा दें। याद रखिए जब आप इस पैकिंग को डालें तो आपने यहाँ पर ये जो है एक लोहे की छोटी वासर होती है इसको नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ना रखें, सिर्फ ये जो ओरिंग होता है इसको रखें, ठीक है। यहाँ पर ये इसको रख दें, और जिस किट के अंदर यहाँ पर जो है ये कट होता है उसमें आप रिंग रख सकते हैं, और जिसके अंदर ये नहीं होता है, जो जिनके अंदर ये पहले ही ऐसा पैकिंग आता है, तो वहाँ पर ये ओरिंग भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा इतना काम हो गया। अब इसके बाद जो हमारा हेड है इसको मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर इसको रख लिया, तो ये यहाँ पर हमने इसको फिट कर लिया। 10 नंबर का बोल्ट, तो भाई ये इसका 10 mm का बोल्ट है, इसको भी आप थोड़ा टाइट कर लें। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है, यहाँ पर ये जो इसका हेड है ना, यहाँ पर आप इसको ऐसे फिट ना करें, यहाँ पर आप जो है ये ऑयल इसमें डाल दें, ठीक है, ताकि हमारी कैम वगैरह सूखी ना चले, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जो इसकी ये फ्रंट टॉप प्लेट होती है, यहाँ पर ये पैकिंग इस टाइप से होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे रख दें यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ पर हमारी ये टॉप प्लेट होती है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे एक एग्जॉस्ट लिखा होता है, एरो का निशान यहाँ पर है, ये नीचे आएगा जिस साइड में हमारा साइलेंसर होता है, एग्जॉस्ट वाला भाग होता है, ठीक है, ये इस साइड में आ गया। अब यहाँ पर आप ये 4 वार्सल इसमें लगाकर इसको टाइट कर दें। यहाँ पर एक ये तांबे की वार्सल होती है, ठीक है, कॉपर, इसको आप ऐसे रखें, और ये उभरी हुई जो वार्सल है इसको आप ऊपर ऐसे करें। देखिए ये उभरे हुए हिस्से होते हैं यहाँ पर, और प्लेन हिस्सा आप ये नीचे कर दें, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये 4 कैप होती है इनको लगाकर आपने टाइट कर देना। अब हमारे जो ये साइड में
बोल्ट होते हैं 10 mm के, इनको भी आपने टाइट कर लेना है। याद रखिए ये जो चार आगे कैप होती हैं इनको टाइट करने के बाद ही आपने इनको टाइट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इनको टाइट कर दें। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी ये जो है कैम न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल भाग है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद हमने इसके अंदर ये टाइमिंग चैन डालनी है। याद रखिए अब गाड़ी को आप चेक कर लें, ये ओके है। और यहाँ पर ये हमारी हीरो की टाइमिंग चैन है 130, इसकी जो है ये MRP है। और यहाँ पर इसके अंदर मैं जो हूँ दो तरह की ये टाइमिंग चैन डालता हूँ, एक मोटे लिंक वाली और दूसरी हीरोजेन वन, वहाँ पर जो है रोलन और डायमंड की आती है, ठीक है। मैंने उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है किस प्रकार से हम जो है इनके अंदर ये टाइमिंग चैन डालते हैं, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और साइड में आप थंबनेल देख सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट करें। यहाँ पर अब इसके बाद जो हमारा रोलर होता है, ये हीरोजेन वन रोलर है, इसकी जो MRP है 75 rupees, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर हम इसको डाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करिएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये रोलर बोल्ट है, इसको आप इसमें लगाकर चेक करें, यहाँ पर जो है हल्की सी भी प्ले नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर जो है बिल्कुल भी प्ले नहीं है। अगर यहाँ पर ये बोल्ट यहाँ से कट जाता है तो आपने क्या करना है, ये जो बोल्ट है इसको आपने चेंज कर देना है, ठीक है। ये आप इसको चेक करें तो ये ओके है, मैं इसको इसमें ही डाल देता हूँ, ठीक है। अगर ये कट जाता तो अलग बात थी, क्योंकि जो पार्ट दोस्तों ठीक होते हैं हम उनको ही उनमें डाल देते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं इसमें आपको नए ही पार्ट डाल के दिखाऊं कि बस इसके अंदर नए पार्ट डाल दो और हो गया इंजन, भाई वो नए पार्ट डाल के तो कोई भी जो है बाइक को फिट कर देगा। बात होती है किसी पार्ट को आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए उसके बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों ये इसकी टाइमिंग चैन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लेना। ये हमारा हीरो जेन्युइन बड़ा रोलर है, इसको आप ऐसे डालें, यहाँ पर इसको अपने ऐसे लगा के यहाँ पर जो है इसमें ये वार्सल जरूर होनी चाहिए, इसको आप यहाँ पर लगा कर टाइट कर दें, ठीक है। इसको आप तुरंत ही टाइट कर दें, अब यहाँ पर ये छोटा रोलर, ठीक है। आप पार्ट दोस्तों जेन्युइन ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा इतना काम हो गया, अब हमारी ये टाइमिंग गाड़ी, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर डॉट लगा है, अब इसके अंदर ये कैसे आपने जो है डालनी है, यहाँ पर ऐसे आप इसको डालेंगे, आप इसको जो है पहले ही यहाँ पर सीधी पकड़ लेना, ठीक है। ये जो है टाइमिंग एकदम से एक्यूरेट यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर मैगनेट लगा सकते हैं, मैं इस मैगनेट को यहाँ पर लगा लेता हूँ और यहाँ पर जो टी मार्क है इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इसके सामने एक्यूरेट आ गया, ये हमारा यहाँ पर देखिए जो है टी मार्क है इसके सामने, और यहाँ पर ये इसके सामने एकदम से जो है हमारा टाइमिंग आ चुका है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है इनके अंदर ये जो है टाइमिंग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ हेर फेर नहीं किया, आपको बिल्कुल मैं लाइव ही दिखा रहा हूँ ताकि आप इसी तरीके से करें, और इस तरीके से दोस्तों कोई भी काम होते हैं हम उनको करते हैं। इसके बाद जो 8 mm के बोल्ट होते हैं इनको आपने लगा देना है और टाइट कर देना है, इनको आप तुरंत ही टाइट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारे बोल्ट यहाँ पर तुरंत टाइट हो गए, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब इसके बाद अब यहाँ पर जो हमारी टाइमिंग चैन होती है ये इसमें फिट हो गई, ये हमारी पुश रोड है। यहाँ पर इसके आगे जो पुश रबड़ लगी होती है ये जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसे ही निशान पड़ा हुआ है। आप अगर ये कट जाती है तो आप इसको नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको इसमें डाल देना है और ये स्पेशल स्प्रिंग इसमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसको आप ऐसे डालें और इसको टाइट कर दें, ये लगाकर आपने जो है इसको टाइट कर देना है। तो हमारा ये बोल्ट भी टाइट हो गया, तो यहाँ पर आप जो है इतना काम करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो है ये साइड प्लेट को लगाएं, और इसके बाद यहाँ पर दो छोटे छोटे रिंग होते हैं, देखिए यहाँ पर आपने जो है इनको ऐसे लगा देना है, ठीक है। आप इसको कुछ यहाँ पर इस तरीके से लगा दें ताकि यहाँ पर जो है जो हमारे ये इसके चक्री बोल्ट होते हैं यहाँ से बाहर रिसाव न आए। और ये हमारी जो है इसकी क्वाइल प्लेट है, इसके अंदर आप सील वगैरह चेक कर लें, ठीक है। तो इसको आपने जो है ऐसे सीधा रख लेना है और
इसमें डाल देना है। और यहाँ पर जो हमारे ये इसके बोल्ट होते हैं, इनके आगे हल्का सा बोल्ट लगा देना है ताकि यहाँ से रिसाव न आए। अब इनको आपने टाइट कर देना है। अब इसके बाद जो हमारे एक वेल प्लेट के जो स्क्रू हैं, इनके ऊपर भी आपने एक बार हाथ घुमा देना है। कई बार ये लूज रहते हैं तो दिक्कत कर सकते हैं भाई, हमें अपने काम में कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। जो हम काम करते हैं वही आपको दिखा रहे हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा हो गया, और ये इसकी न्यूट्रल की जो तार है इसको भी हम लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारी ये इसकी डॉट रबड़ है, आप यहाँ पर इसको लगा दें, ठीक है। सील वगैरह आप दोस्तों इसके अंदर ज़रूर डालें, जो भी लीकेज हो जो आपको लगती है, या आप सभी में डाल सकते हैं, वो मर्जी है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा। जो ठीक होती है उसको रहने दो, कोई ज़रूर नहीं है इसके अंदर। आप जो है सभी सिलें डल के ही महान बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो ठीक होती है उसको रहने दो। अब यहाँ पर आप इसकी साइड प्लेट को लगा लें, ये इसकी साइड प्लेट है। यहाँ पर आप एक पैकिंग देख सकते हैं, ये ठीक है, तो आप नए पैकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए टाइट करिए। और जो इसके अंदर ये लंबा बोल्ट होता है 10 नंबर का, इसको लगाकर आपने टाइट कर देना है। अब इसके बाद जो हमारा मैग्नेट है इसको भी आपने इसमें लगा देना है, और इसके वार्सल को रख देना है, और जो इसका 14 mm का नट होता है इसको लगाकर आपने टाइट कर देना है। तो दोस्तों अब हमारा जो है इंजन इतना कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसके बाद हम थोड़ा इसको इधर मोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारे टैपिट है, अब हम इनको सेट करते हैं। यहाँ पर आप इसके जो है इस मैग्नेट को टी मार्क पर पहले ही कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा टोटल है टाइमिंग यहाँ पर ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर ये हल्की हल्की प्ले है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है पहले ही सेट हो चुकी है ये वाली टैपिट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे वाली ये यहाँ पर जो है खूब टाइट है। यहाँ पर आप जो है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मेरे पास ये फिलर गेज है, यहाँ पर आप इसका नाम देख सकते हैं इनसाइज, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, आप इसको परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। ये बिल्कुल जेन्युइन है, और ये 0.10 जो mm इसका गैप है आप इसके अंदर ये रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर दोनों के अंदर आपने जो है 0.10 mm का गैप रखना है। अगर आपकी टैपिट को साउंड करती है तो आप इसको जो है 0.9 या 0.08 गैप को रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि इनके अंदर जो है ये फ्लैट टैपिट होती है, और जो दूसरे वाली होती है न्यू मॉडल, उनके अंदर ये बैरिंग वाले रोकर होते हैं, वहाँ पर उनके अंदर जो है कोई दिक्कत नहीं आती, साउंड नहीं आती। लेकिन इनके अंदर अगर 10 mm हम करेंगे तो यहाँ पर ये साउंड आएगी। तो यहाँ पर आप 0.08 mm का गैप रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोस्तों फिल्टर गेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पर जो है जो हमारे टैपिट कवर होते हैं इनको हम लगा लेते हैं। तो इसको आप लगा लें, और ये हमारा कंप्लीट काम यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आप जो है दोस्तों इसके प्लग वगैरह को लगा लेना, और जो इसके अंदर ये जो ऑयल होता है ये डाल लें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ये कंप्लीट इंजन फिट हो चुका है, और मैंने जो है इसके अंदर दोस्तों टोटल जेन्युइन काम किया है। जैसे दोस्तों हम जो है ये यहाँ पर करते हैं उसी तरीके से आज मैंने आपको दिखा दिया। तो गाइज फाइनली हमने जो है इसकी फिटिंग कर ली है, जो हमने आपके सामने ये स्प्लेंडर प्लस का इंजन जो है फिट करके दिखाया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम जो है इसके इंजन को फिट करते हैं, और यहाँ पर इसके बाद आप इसके अंदर 10W30 इंजन ऑयल डाल लेना, ना कि 20W40। तो यहाँ पर दोस्तों 10W30 जो होता है वो कंपनी रिकमेंडेड होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 20W40 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, आप अपनी मर्जी से डाल लेना, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दोस्तों 20W40 इसके अंदर डालें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप काम करके दिखाया है किस तरीके से हम जो है इसके इंजन की फुल फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इस तरीके से इसके इंजन को फिट करते हुए दिखा दिया है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यहाँ तक समझ में आता है, इसमें आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी इसी तरह से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, अब मैं इसको जो हूँ बाइक में फिट करता हूँ, और इसके बाद आपको जो हूँ इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा कैसे इसकी साउंड बनेगी कैसे नहीं। तो ऐसी दोस्तों जानकारी मैं आपको कभी की देना सोच रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग रहा था,
तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है और आपको जो है अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा किस तरीके से हम जो है इसके इंजन को फिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहले इसको फिट कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको इसकी बाद में साउंड सुनाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारी स्प्लेंडर का इंजन कंप्लीट हो चुका है और हमने इसकी फिटिंग कर ली है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे इसकी साउंड बनी है कैसी नहीं। तो भाई किक जो है बहुत टाइट लग रही है क्योंकि इसके अंदर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा बन चुका है। तो देखिए बाइक बिल्कुल पहले किक में स्टार्ट हो चुकी है और इंजन की कोई भी यहाँ पर साउंड नहीं है, ना ही टैपवेट की, ना ही टाइमिंग चेन की, किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं है। इंजन से जो है सिर्फ और सिर्फ साइलेंसर की साउंड आनी चाहिए। मैं अब आपको थोड़ी इसमें एक्सेलेटर देके दिखाता हूँ। देखिए इसके क्या भी जबरदस्त साउंड बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है इसके अंदर एक नंबर बिल्कुल जेन्युइन काम किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हम काम करते हैं वो जेन्युइन तरीके से करते हैं और यहाँ पर एक फिटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंजन के अंदर किस तरीके से जो है फिटिंग की गई है, तभी दोस्तों इंजन की जो साउंड है वो ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे मैकेनिक भाइयों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी हम इंजन की फिटिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ साउंड रहती है। भाई वहाँ पर जो है एक आपकी फिटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जो है उसके अंदर किस तरीके से फिटिंग की है। तो मैंने दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन काम किया है और आपके सामने किया है और इसकी साउंड बिल्कुल जो है ज़बरदस्त बन चुकी है। मैं आपको एक बार और इसकी साउंड सुना के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इंजन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ साइलेंसर की ही साउंड आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये बिल्कुल फ्रेश साउंड आ रही है। तो गाइस देखा आपने इसकी क्या भी ज़बरदस्त साउंड बनी है और मैंने इसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन काम किया है जो आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है किसी भी इंजन को जो है इस तरीके से फिट करते हैं और जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, साफ सफाई से काम करते हैं। तो यहाँ पर इसकी साउंड बहुत अच्छी बन चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो था बहुत बार मेरे को कमेंट आता है कि आप एक बार जो हमारी स्प्लेंडर बाइक होती है उसके इंजन को फिट करके दिखाएं। तो दोस्तों फाइनली वो दिन आज मैंने आपके लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ और इसमें आपको मैंने इंजन को जो है फिट करके दिखा दिया और इसकी साउंड भी आपको सुना दी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई इसको कम से कम अपना एक लाइक जरूर देना और मेरा दोस्तों इस पर टारगेट है कम से कम मुझे इस पर 1000 लाइक मिलने चाहिए आप लोगों के। तो दोस्तों अगर आप इसको दिल से लाइक करते हैं तो दोस्तों मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा है, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो इसको जरूर शेयर भी कर देना। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इसको आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लेना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेजफुल वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल जवाब हो उसका भी आपको मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा जो भी दोस्तों आपका सवाल होगा। तो दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आगे दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।